जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ जेट इंजन की बातचीत को एक महीने के अंदर समाप्त करने के लिए कहा। पोखरण में कंडक्ट किए गए ATAGS के ट्रायल्स। श्रीनगर एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान इंडियन आर्मी पर्सनल के बैग से मिला लाइव हैंड ग्रेनेड। यूक्रेन ने किया रशिया के दो और शिप्स को डुबोने का दावा। और न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक यूक्रेन का घोस्तोव की फाइटर था केवल एक मिथ। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ऑफिशियल्स को कहा है कि वे जल्द से जल्द फ्रांस के साथ जेट इंजन्स को संयुक्त रूप से विकसित करने वाली बातचीत को अंतिम रूप दें। और इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने एक महीने के अंदर फ्रांस के साथ इस जेट इंजन वाली बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए कहा है। और आपको ये भी बता दें कि इस जेट इंजन वाली टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए भारत इस परियोजना को एक नेशनल मिशन की तरह आगे बढ़ा रहा है। और इसको लेकर शुरुआती आकलन तो कुछ इस तरीके से थे कि एक बार इस परियोजना के लिए मंजूरी मिलने के बाद 7 सालों के अंदर इस इंजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। और चूंकि फ्रेंच इंजन मेकर सैफरन इस जेट इंजन को विकसित करने के लिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है, और फ्रांस के साथ जो रफाल फाइटर्स वाली डील हुई थी तो उस डील में जो ऑफसेट क्लॉज शामिल था, तो सैफरन कंपनी उसी डील के ऑफसेट क्रेडिट का इस्तेमाल भी करेगी। लेकिन इसी ऑफसेट क्रेडिट को इस्तेमाल करने वाला ही जो डिस्कशन है वो अभी भी चल ही रहा है और उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जबकि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत उस जगह पर आकर रुक गई थी जब एक डिटेल्ड स्टडी में सामने आया कि ऑफसेट के हिस्से के तौर पर केवल 250 मिलियन यूरोज ही इसमें खर्च होंगे, और जबकि बाकी के जो 500 मिलियन यूरोज हैं उसे सरकार द्वारा रेज किया जाएगा। और अब इस परियोजना की कीमत को कम करके इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ और नए तरीकों की तलाश जारी है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 अप्रैल से 2 मई तक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में DRDO द्वारा विकसित की गई 155 mm और 52 कैलिबर की ATAGS के सफलतापूर्वक ट्रायल्स को कंप्लीट किया गया है। हालांकि ATAGS के फाइनल ट्रायल्स थे या नहीं थे ये तो खैर अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ATAGS के फाइनल ट्रायल्स हों। और बाकी इस पर जो भी नया अपडेट आएगा तो हमारे डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अपनी स्की जंप कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट करने के लिए US का F-18EF सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 फाइटर जल्द ही भारत पहुंचने वाला है। तो अब इसके रिगार्डिंग अभी हाल ही में द डिफेंस पोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि भारत ने ऑलरेडी इस बात को चेक करने के लिए कि क्या US का फाइटर जेट भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत इन दोनों से ऑपरेट करने के लिए कैपेबल है या नहीं, तो इसके लिए ऑलरेडी 150 से अधिक सिमुलेशन स्टडीज और स्की जंप टेस्ट को कंडक्ट किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में खड़गा कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा द्वारा एरावत डिवीजन के ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस की समीक्षा की गई है। और वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि एरावत इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के तहत आने वाली 1 आर्मर डिवीजन है, जिसका हेडक्वार्टर पटियाला में है। और ये डिवीजन ऑपरेशन पोलो, 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर और 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर, इन सभी युद्धों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। आज वेस्ट बंगाल के टीटागढ़ में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक नई फास्ट पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया गया है। इस वेसल का नाम है ICGS कमला देवी, और इस पूरी वेसल का जो डिजाइन है उसे GRSE शिपयार्ड ने इन हाउस डेवलप किया है। और GRSE द्वारा डिलीवर की जाने वाली ये सीरीज की आखिरी फास्ट पेट्रोल वेसल है, और इसके शेड्यूल टाइम से पहले इसको बना के GRSE ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। बाकी ये फास्ट पेट्रोल वेसल 1500 नॉटिकल माइल्स तक की एंड्योरेंस के साथ आती है, और इसकी जो रफ्तार है वो है 34 नॉट्स यानी कि करीब 62 किलोमीटर पर आर। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्स की तरफ से कहा गया है कि भारत उनके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स में से एक है, और दुनिया तभी अच्छी तरीके से विकसित हो सकती है जब हम इस तथ्य के बारे में स्पष्ट हों कि दुनिया में भविष्य के संबंधों को कई देशों द्वारा चिन्हित किया जाएगा, न कि कुछ शक्तिशाली देशों द्वारा। और वैसे आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर के बीच 6th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन भी स्टार्ट हो चुका है, और ये एक ऐसा यूनिक बाई एनुअल फॉर्मेट है जो कि भारत केवल जर्मनी के साथ ही कंडक्ट करता है। और इस दौरान दोनों देशों के कई सीनियर मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स इस बाइलेटरल डिस्कशन में शामिल होते हैं, और ये 6th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि चाइनीज वायरस पैंडेमिक की वजह से अब चीन ने जो करीब 2 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार कुछ भारतीय छात्रों को पढ़ाई के लिए वापस से बीजिंग लौटने की अनुमति दे दी है, तो इसी के मद्देनजर वहां पे रह रहे कुछ भारतीय प्रोफेशनल्स द्वारा भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से चीनी सरकार के सामने उनकी तकलीफ बयां करने की अपील की है, जिनके परिजन बीजिंग के सख्त कोविड वीजा नियमों के चलते स्वदेश में फंसे हुए हैं। ANI की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक आज सोमवार को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्री एंट्री चेकिंग के दौरान एक आर्मी मैन के बैग से लाइव हैंड ग्रेनेड रिकवर किया गया है। और एयरपोर्ट सोर्सेज के मुताबिक ये इंसिडेंट आज सुबह करीब 9 बजे हुआ था जब इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के एक पर्सनल ने
एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश किया और उनके लगेज की प्री एंट्री स्क्रीनिंग के दौरान उसमें एक लाइव हैंड ग्रेनेड मिला है। और जबकि ANI की रिपोर्ट में सीनियर ऑफिसर के हवाले से बताया गया है कि जिस आर्मी पर्सनल के बैग से ही मिला है तो वे छुट्टी पर जा रहे थे। और बाकी इस घटना के बारे में आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है और मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज सोमवार को चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का कहना था कि जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी हैं वो एक बड़े पैमाने पर कश्मीर के स्थानीय युवाओं को आतंकवाद का चेहरा बना रहे हैं। और चूंकि ये जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी हैं ये इंडियन आर्मी की एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड को ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए अभी के लिए ये आतंकी खुद तो चुप हैं लेकिन वे कश्मीर के स्थानीय युवाओं को आतंकवाद का चेहरा बना रहे हैं। पर चूंकि अब स्थानीय आतंकियों की संख्या में भी काफी गिरावट आई है तो ऐसे में अब वे भी बेनकाब हो रहे हैं और उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करके उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और भारत की सीमा सुरक्षा पर बात करते हुए चिनार कोर कमांडर की तरफ से इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि इस साल अभी तक केवल एक बार घुसपैठ का प्रयास किया गया है और उसे भी हमने नाकाम कर दिया था। और जो आतंकी है वो इंडियन आर्मी की एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल रविवार को असम राइफल्स ने मिजोरम से आर्म्स, एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट सीज किया है जिसमें 3 शॉटगन्स, 5.22 राइफल्स, बुलेट्स के 20 बॉक्सेस, करीब 24,000 जिलेटिन स्टिक्स, 44 किलोग्राम तक के सेफ्टी फ्यूज, 100 किलोग्राम तक का गन पाउडर और ऐसी अन्य चीजें शामिल हैं। और ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्हें जगह पर वेपन्स की पॉसिबल स्मगलिंग के इनपुट्स मिले थे और उसी के आधार पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और इस दौरान 2 व्हीकल्स भी सीज किए गए हैं जो इन वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। आपको ध्यान होगा अभी 2 दिन पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको कुछ ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में बताया था जिनमें यूक्रेन ऑफिशियल्स के हवाले से ही यूक्रेन के उस घोस्ट ऑफ कीव का खुलासा किया गया था जो कि इस रशिया यूक्रेन वॉर में काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी था। लेकिन अब इसी के रिगार्डिंग न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें भी यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के ही हवाले से ये बताया गया है कि जो घोस्ट ऑफ कीव है वो मिथ है। यानी कि इससे पहले जो घोस्ट ऑफ कीव वाले पायलट की पहचान के बारे में रिपोर्ट्स आई थी तो न्यूयॉर्क पोस्ट के इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई पायलट एग्जिस्ट करता ही नहीं है बल्कि ये केवल एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे यूक्रेनियंस ने क्रिएट किया था। और न्यूयॉर्क पोस्ट के इस रिपोर्ट में यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के हवाले से ये भी कहा गया है कि जो हाल ही की रिपोर्ट्स में घोस्ट ऑफ कीव के तौर पर यूक्रेनियन वॉर हीरो मेजर स्टेफन तारावल्का को बताया जा रहा था तो न्यूयॉर्क पोस्ट की इस रिपोर्ट में तो ये कहा गया है कि मेजर स्टेफन घोस्ट ऑफ कीव नहीं है और उन्होंने 40 प्लेन्स को शूट डाउन नहीं किया है और ये तक दावा किया कि इस तरह का कोई पर्सन था ही नहीं बल्कि असल में जो एक घोस्ट ऑफ कीव वाला उपनाम है कि यूक्रेन के एक नहीं बल्कि सभी हीरो फाइटर पायलट्स को बिलोंग करता है। और इस तरह की रिपोर्ट देखकर तो वाकई में लग रहा है कि अब ये घोस्ट ऑफ कीव वाकई में घोस्ट ही है जिसके बारे में कभी कोई कहता है कि है कोई कहता नहीं है। और बाकी आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा AFP न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक आज सोमवार को कीव की तरफ से कहा गया है कि उनके ड्रोन्स ने 2 और रशियन पेट्रोल बोट्स को ब्लैक सी स्नेक आइलैंड के पास डुबो दिया है। और इसके रिगार्डिंग यूक्रेन की तरफ से एक ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज भी जारी की गई है जिसमें किसी स्मॉल मिलिट्री वेसल में एक्सप्लोजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहा जा रहा है कि इस स्ट्राइक में टर्की के बायरेक्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। जबकि आज भारत और जर्मनी की इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर एक बार फिर से भारत की पोजीशन को स्पष्ट किया गया है और ये भी कहा गया है कि हाल ही के जो जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स हुए हैं उन्होंने इस बात को दिखाया है कि दुनिया की शांति और स्थिरता एक क्रिटिकल कंडीशन में है और ये इस बात को भी दर्शाती है कि किस तरीके से सारे देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री का ये भी कहना था कि हमने पहले भी कहा है कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है इस यूक्रेन क्राइसिस को सॉल्व करने का और हम मानते हैं कि इस युद्ध में कोई भी पार्टी जीतने वाली नहीं है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का तो आपको बता दें कि आज के दिन 1999 में असम में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर रमन दादा वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। आज का ये वो दिन है जब 2020 में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान हमारे 5 वीर योद्धा अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे जिनमें कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुसुद, नायक राजेश कुमार, लास्ट नायक दिनेश सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर सागिर अहमद क्वाजी शामिल हैं। और इनमें से कर्नल आशुतोष शर्मा को मरणोपरांत सेना मेडल से और मेजर अनुसूद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और बाकी इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल कि दक्षिण में भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे सुखोई Su-30 MQI फाइटर्स की पहली स्क्वाड्रन बनाई गई है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।